प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं सिद्रा मुनी। प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एक और एपिसोड आज हमने सोचा के नाम करते हैं उस मसले के जो कि दिन ब दिन कंट्रोल होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। मेरा और आपका, हम सबका मसला महंगाई, जिसका जिन बेकाबू तो हो गया है, लेकिन उस जिन को बोतल में दोबारा से किस तरह से बंद करना है उसके लिए बहुत सारी तदाबीर की जा रही है, बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो तदाबीर, वो इकदाम सिर्फ कागजात की हद तक महदूद हैं। कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है, कोई इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। बातें बहुत होती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बात करें अगर टमाटर की सूरत हाल की, तो तकरीबन एक महीने पहले जो है वो टमाटर की कीमत बिल्कुल मतवाजन थी, 20 या 30 रुपए के दरमियान टमाटर फरोख्त हो रहा था। लेकिन तकरीबन एक महीने के दौरान सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि टमाटर की कीमत जो है वो आपे से बाहर हो गई। आज के सरकारी रेट की बात की जाए तो आज सरकारी रेट के मुताबिक टमाटर की कीमत 104 रुपए से 110 रुपए तक है, जबकि आम मार्केट की बात की जाए तो आम मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं वो 140 रुपए 160 रुपए तक टमाटर फरोख्त कर रहे हैं और अपने मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। शहरी तो परेशान है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आज जब हम सिंहपुरा सब्जी मंडी में पहुंचे कि महंगाई की सूरत हाल जाने, महंगाई पे एक बार बात करें कि हो सकता है कोई आवाज़ जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचाए, मुतलका महकमों तक पहुंचाए, मुतलका अफसरान तक पहुंच जाए कि इस मसले को हल करना है। लेकिन यहाँ जब पहुंचे तो एक बहुत बड़े मसले ने हमें खुश आमदीद कहा, जो कि मैं अपना कैमरामैन को कहूँगी कि आपको दिखा सके कि कल होने वाली और एक दो रोज़ पहले जो बारिशें हुई हैं उसने सिंहपुरा सब्जी मंडी की ये हालत कर दी है कि जहाँ तक कैमरे का लेंस आपको दिखा सकता है, आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी की क्या हालत है। गंदगी है, कीचड़ है, इसको खुश करने के लिए इसको कोई भी इकदाम नहीं नज़र आ रहे, कोई अमला यहाँ पर नहीं आ रहा कि सफाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर सब्जियाँ, फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, वो चीज़ें मिलती हैं जो हमें और आपको सेहतमंद बनाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन सब्जी मंडी की क्या हालत है इसके हवाले से, महंगाई के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि इस महंगाई के जिनको आखिर काबू में लाया जा भी सकता है या नहीं। जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिंहपुरा सब्जी मंडी के अंदर, लेकिन कैमरामैन से पहले मैं कहूंगी कि ये दिखा दे कि इस वक्त हम सब्जी मंडी के अंदर मौजूद हैं। जो मेरे और आपके घर में सब्जी आती है वो ये है, किस हालत में यहाँ पर ये सब्जी पड़ी है जमीन के ऊपर। दूसरी जानब देखा जाए तो एक गंदगी जो है वो कीचड़ की सूरत में हमें खुश आमदीद कह रही है, यहीं पे जो है वो जानवर भी फिर रहे हैं। यही वो सब्जी है जो मेरे घर में भी बनती है, आपके घर में भी बनती है, लेकिन इस सब्जी के जो कीमतें हैं वो आसमान को बातें करते हैं। इन तमाम मसाइल के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिला इंतजामिया की जानिब से, जिसके 33 मेंबरान थे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को उसका कन्वीनियर मुकरर किया गया था। इन 33 मेंबरान की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पूरे लाहौर शहर में जो जो इलाके उनको सौंपे गए हैं वहाँ पर ना सिर्फ प्राइस कंट्रोल कराने हैं बल्कि जो भी मसाइल हैं उनको हल करना है। उसी प्राइस कंट्रोल कमेटी के एक मेंबर आबिद मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि इन तमाम मसाइल के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सिफतुल्ला चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। आबिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी कि आपने खुद देखा कि यहाँ पर जो सब्जी की हालत है वो तो है, अभी आपने देखा कि एक साहब ने अभी आपके सामने सब्जी खरीदी और यहाँ पर कैमरा देखते हुए, माइक देखते हुए आप यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद टमाटर 110 की बजाय 120 रुपए उनको फरोख्त किए गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आए हैं और इस इशू को जो है वो आवाम के सामने रखा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर जो आपकी क्वालिटी के हवाले से आपने बात की है उसको तो इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इतनी गैर मुनासिब क्वालिटी इस वक्त नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये जो मंडी की सफाई, अभी साहब आप कह रहे हैं गैर मुनासिब क्वालिटी नहीं नज़र आ रही, ये देख लीजिए। और मैं चाहूँगी कि शायद आपको आवाम की आंखों की ज़रूरत है या शायद हमारी आंखों की ज़रूरत है कि ये सब मसले नज़र आ सकें। मुझे बात करने का मौका दें। मैंने गुज़िश्ता ये 3-4 हफ्तों में लाहौर शहर की अहम मार्केटों, मंडियों, सब्ज़ी मंडियों का दौरा किया है, कैमरे की आंख ने दिखाया है, आपने भी देखा है, आपकी भी मेहरबानी, आपके चैनल के तवस्सुत से बहुत सारे मसाइल को उजागर किया है।
यहाँ पर दो तीन टेक्निकल बुनियाद पर चीज़ें हैं, उनको ज़रा काइंडली हमें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि ये जो आपने इस वक्त प्याज दिखा रही हैं, ये दोयम कैटेगरी का प्याज है। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे अफराद के जो बेचारे बहुत ज़्यादा मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं, वो आके ऐसी चीज़ों को ले कर जाते हैं, ये उनकी भी ज़रूरत है। आप ये बात हरगिज़ नहीं कर सकते कि ये किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और फिर उनको फिर उस मुनासिब रेट के ऊपर, दोयम रेट के ऊपर जो है वो मंडी से माल का मिलना। ये जो दोयम रेट आप बता रहे हैं, हमने तो जब भी बाजार गए हैं, इवन के मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, तो एक ही रेट लिस्ट होती है, उसके ऊपर एक ही कीमतें दर्ज होती हैं, वो भी अक्सर दुकानदारों ने गायब की हुई होती है। जी, मैंने आपको जब आपने एंट्री ली तो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया एक गत्ते के ऊपर रेट लिखे हुए हैं, और आपने खुद कैमरे की आंख में देखा है कि तमाम लोगों ने वो अवेजा किए हुए हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो उसमें कुछ चंद चीज़ें ऐसी ज़रूर मिलेंगी कि जो दोयम के चीज उसमें आती हैं, कैटेगरी में आती हैं, यानी एक दो किन्नू की फल के हिसाब से जो है वो, एक उसकी जो साइज़ के हिसाब से, उसके उसके सारे मामलात के हिसाब से उसमें भी अव्वल और दोयम का जो है वो मामला होता है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त जो रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो दे रही है, और हमारे सूबाई वज़ीर सनत मियाँ असलम इकबाल साहब की हदायत पर जो हमने ये सारा काम विज़िट करना और इसको प्राइसेस को कंट्रोल करना शुरू किया है, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्त से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने गुज़िश्ता पिछली 2018 के छठे महीने से लेके 2019 के इस दूसरे महीने तक की पूरी हमने उसके ऊपर वर्किंग की है, और आप यकीन पूरी वर्किंग हो गई है। आगे चलते हैं, जरा बात भी करते जाते हैं, और साथ साथ सिमकत साहब आपसे भी साथ साथ बात करना चाहूंगी कि किस तरह से जो है वो सब्जी मंडी की हालत भी सिमकत साहब आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टमाटर जो है वो बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। जी बिल्कुल सिद्रा, मुझे बड़ी हैरत हुई है जब हम क्लिंटर मार्केट जाते हैं या जो स्लॉटर हाउस मुख्तलिफ मीट जहाँ पे प्रोडक्शन होती है जहाँ पे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे गंदगी के हालात देख के फिर डॉक्टर्स रात और बाकी लोग जो ये हैं रिकमेंड करते हैं कि जी आप सब्जियां खाएं, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी हैं, ठीक है ना, फल और सब्जियां आप खाएं। तो यहाँ पे सब्जियों और फलों के साथ जो सलूक हो रहा है यहाँ पे, तो आके मेरा ख्याल है कि आम आदमी का दिल ही जो है बेजार हो जाएगा कि डॉक्टर्स तो कहते हैं सेहतमंद रहना है तो सब्जियाँ खाएं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ मंडी आकर जो है इंसान परेशान हो जाता है कि सब्जियाँ खा रहा है या फिर जो है वो एक मजीद जो है वो बीमारी पालने वाली चीज खा रहा है। कुछ कस्टमर मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम साथ साथ बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। सब्जी मंडी की हालत भी आपने देखी, आप यहाँ तक पहुँचे किस तरह है खरीदने के लिए, चीजें लेने के लिए? मैडम जाहिर सी बात है मजबूरियाँ इतनी होती हैं तो अपनी मजबूरी के लिए इंसान बाहर निकलता है। अब ये सब्जियाँ टमाटर हैं जो उनसे हैं, ये 100 रुपए के किलो हैं। अच्छा, कितने खरीदे हैं ये आपने टमाटर? मैडम मैंने आधा किलो खरीदे हैं 50 रुपए के। ठीक है, और टमाटर के रेट के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि रेट जो है वो पिछले तकरीबन एक महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गए। जी मैडम, बात यह है कि देखें गरीब इंसान जो है ना उसके लिए मंडी में आना जो है ना वो दुश्वार हो गया। दालें, सब्जियां, आटा, चीनी सब कुछ ही महंगा है। अब जिसने 200-300 रुपया कमाना हो तो वो 200-300 रुपया तो सब्जी में लग जाता है, फिर घर का मकान किराया ये वो चीजें, तो बहुत मुश्किल है। मुल्क के हालात जो है ना बहुत बदतर हो। अच्छा ये बताइएगा कि जब आपने दुकानदार से ये टमाटर खरीदे हैं तो उसने आपको बताया कि ये दर्जा दोम के टमाटर हैं, ये छोटे हैं, जो अच्छे वाले हैं वो 110 रुपए में हैं, या फिर अगर ये अच्छे नहीं है तो ये इतने में आपको मिलेंगे, कुछ ऐसा मामला था? जी मैडम, मैंने उससे पूछा था ये, मैंने उसको कहा था कि कितने के किले, उसने 2 टमाटर की यानी कि ढेरियां लगाई थी। उसने कहा था जो इससे थोड़े कम है ये भी 100 रुपए के हैं और ये भी 100 रुपए के हैं, वो बड़े हैं ये छोटे हैं, तो इस तरह करके उन्होंने कहा अच्छी चीज है ले जाए। मुझे आधा घंटा हो गया मंडी में घूमते हुए कि चीज सस्ती मिल जाए, लेकिन मैं मजबूरी की खातिर घर जो महंगी है खाना तो है ना, लेके जाने हैं जाहिर से। ठीक है, टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि आवाम जो है वो अगर पहले 1 किलो या 1.5 किलो तक टमाटर खरीद सकती थी, लेकिन अब इतनी सख्त नहीं है कि वो आधा किलो से ज्यादा टमाटर खरीद ले। जी नाजरीन, बात की जाए अगर टमाटर की तो आप देख सकते हैं कि टमाटर है, सब्जियां हैं, यहीं पे जमीन पर ये टमाटर और सब्जियां बिक रही हैं, और दूसरी जानिब जो है वो बिल्कुल साथ साथ जो है वो कूड़ा भी है, कीचड़ भी है, जो गुज़िश्ता रोज बारिश हुई है उसके भी असरात नुमाया तौर पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ आबिद मीर साहब हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि ये टमाटर जो हैं यहाँ पर पड़े हैं ये ना दर्जा अव्वल के लग रहे हैं, मुझे तो दर्जा चहारम से भी कोई अगली किस्म लग रही है, ये यहाँ पर मौजूद क्यों है? जी मैं आपसे यही गुजारिश की, पहले तो आपसे मैं सफाई सुथराई के वाले से बात करना चाहता हूँ, आप बार बार इस बात को कर रही हैं। यहाँ पर इनक्रोचमेंट थी बहुत ज्यादा,
पिछले दिनों डीसी साहब आई और उन्होंने कहा जी कि जो इंक्रोचमेंट है ना इसको आप ख़त्म करें और इसको आप पैसेज को क्लियर करें ताकि ये पैसेज क्लियर हो, तजावजात ना हो और इसमें हमारे जो है लोगों को तकलीफ़ ना हो। उन्होंने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। ये सारा कुछ यहाँ से जब इन्होंने ख़त्म किया, ये तकरीबन कितनी पुरानी बात है क्योंकि तजावजात को ऑपरेशन जो 16 जनवरी की बात है, बात ज़रा समझ आ जाएगी आपको। 16 जनवरी को सारी चीज़ें गिर गई, टीएम में आया, उसने चीज़ें उठाई सारी यहाँ से, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल मलबा क्लियर नहीं कर पाए। ये आपको फिर ऊपर से बारिशें हो गई, ये तो पहली इसकी सफाई सुथराई के वाले से ये जो बात है इसके पीछे ये बात है। दूसरी बात मैंने आपसे गुजारिश की, आपने ये तो बता दिया, आपने आबिद मीर साहब आपने बात की है 16 जनवरी की, आपने मेरी से बात की है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो भी बड़ा मासूम सा, कि 16 जनवरी से लेकर आज तकरीबन जो है वो 19 जनवरी हो गई, एक महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, ये तो फिर महीना क्या, दो महीना क्या, तीन महीना, बहुत सारा वक्त गुजरता जाएगा, कैसे होगा ये मामला था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये काम इतना आसान नहीं था। आप मुझे ये बात बताएं, आप यहाँ पर देखें स्टॉल में आपको कोई सफाई सुथराई के अलावा कोई चीज नजर आ, कोई गंद? अभी सब स्टॉल की आप जो है वो बात तो करें, लेकिन स्टॉल तक एक आम आदमी पहुँचेगा कैसे? आपको पता है हम कितनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे। आपने जो टमाटर की खास तौर पे आपने जो टमाटर दिखाया, आपने उसकी सारी चीज दिखा दी, लेकिन आपने उससे फिर ये नहीं पूछा कि ये किस तरह किलो है, यानी वो 20 रुपए किलो टमाटर है। मैंने आपसे फिर यही गुजारिश की है कि हम तो बहुत अच्छे, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतें दी हैं, हम बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर ऐसी आवाम भी मौजूद है कि जिसको इमरान खान ने उसको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करनी है, जिसको इमरान यानी रिलीफ पहुंचेगा वो खराब सब्जियां खाएंगे, सिबकत साहब वो गंदी सब्जियां खाएंगे ना, कि ये नहीं होगा कि चीजों की क्वालिटी जो है वो थोड़ी गिर जाए तो चलो रेट कम हो जाए, खराब चीजें खाएंगे क्या? मुझे सिदरा आबिद मीर साहब की जो है ना उस पर दाद देनी पड़ेगी, इनकी पेशेंस पे और इनके टेम्परामेंट को, क्योंकि ये सारा कुछ देखते हुए भी ये कह रहे हैं कि मतलब नहीं जी आप देखें स्टॉल तक तो आपको गंदगी नजर नहीं आ रही, और इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जो सामने हमारे हालात हुए पड़े। ये तो एक सदाबहार मसले हैं मंडी के, ये सबसे बड़ा अजाब जो है ना यहाँ तक आने का, और यहाँ पे जो लोग आके यहाँ पे होलसेल, मतलब आप देखें ना ग्राम फरोशी जो शहर में होती है परचून की सतह पे, वो इसलिए भी होती है कि इस मंडी में आना, यहाँ से थोक की सतह पे चीज़ें खरीद के परचून की सतह पे बेचना, मतलब वो एक बड़ी एक्सरसाइज है बहुत बड़ी। यहाँ पे आम बंदा जो आम कंज्यूमर या आम कस्टमर जो है ना वो यहाँ तक इसलिए नहीं आ पाता कि यहाँ पे जो हालात हैं, और फिर जब जो लोग यहाँ पे आके वो सस्ते दामों चीज़ें खरीद के परचून की सतह पर बेचते हैं, वो इसीलिए भी ग्राम फरोशी करते हैं ना, उनको पता है कि आम शहरी की तो यहाँ तक रसाई नहीं है। मतलब अगर ये साफ सुथरा यहाँ पे कोई एक्सेस हो, लोग भी चलें, जिस तरह ये आबिद मीर साहब कह रहे हैं कि जी वो रेट के मुताबिक या सरकारी नरखनामे के मुताबिक चीज़ें खरीद सकें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे प्राइस का जो मैकेनिज्म है ना, प्राइस कंट्रोल का, ये आज तक पूरी तरह वजह नहीं हो सका। मतलब ये है कि टमाटर पे इस सीज़न में भी मैंने पिछले साल भी की थी, इस सीज़न में भी हमने, मैंने 2-3 स्टोरियाँ की हैं, मतलब आपका बदीन सिंध से इस वक्त टमाटर आ रहा है, ठट्ठा से आ रहा है, बदीन से आ रहा है, इसके बाद लाड़काना आएगा। अब ठट्ठा बदीन और के बाद जो 15 दिन का, 20 दिन का, एक माह का जो गैप है ना, 30 दिनों का लड़काने से टमाटर का जो गैप है, उस गैप के दौरान जो यहाँ पे आड़ती माफिया या जो टमाटर की ट्रेड से वाबस्ता जो लोग हैं बड़े पैमाने पर, जो बड़ा जो समझते हैं जो ये पेरिशेबल आइटम है, होल्ड तो नहीं हो सकती, लेकिन वो इनकी कीमतों के साथ प्ले अराउंड करते हैं, ठीक है ना। टमाटर की कीमत में आज आपको ये खबर भी बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो तलब और रसद हम सुनते आते हैं कि ये खेल खेला जाता है कि उसकी कमी की जाती है, कुछ यहाँ पर जो है वो सार्फीन भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, सब्जी मंडी में पहुँच तो गए हैं मुश्किल से, कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? कीमतें तो माशाल्लाह कंट्रोल कर ही रहेंगी इंशाल्लाह, लेकिन पहले जी सफाई तो देखे ना, बंदा जब आएगा तो लेगा ना, कीमत तो बाद का मसला है। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप इस सब्जी मंडी में? तकरीबन डेली आना होता है, हर हफ्ते में आना, तो हमारा जरूरी प्याज तल्लुक है, हमारा कुछ सामान इधर आना होता है ना। हमेशा से इसे ऐसा ही देखा है या फिर आजकल ऐसी है? बारिश होती है, ऐसा ही होता है, कौन सा नई बात है, या पहले या कौन सा कार्पेट रोड से जो कचरा बन गया, ये हमेशा से ऐसे ही है। आबिद मीर साहब, इन्होंने आपकी बात का जवाब दे दिया है कि आपने कहा जी ये एक महीने पहले तजावजात का खात्मा हुआ था जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया, लेकिन इनकी जानिब से ये कहा गया, आपने खुद सुना, ये सारिफ है जो हर हफ्ते जो है वो यहाँ पे आते हैं, कि इन्होंने कहा जी पहले कौन सा यहाँ पे कार्पेट रोड थी और बड़ा, उन्होंने वो भी कहा, लेकिन हमेशा से उन्होंने यही देखा है यहाँ पर। आपने उनकी बात को गौर से सुना, उन्होंने ये कहा कि बारिश के दौरान यहाँ पर ये मामलात हो जाते हैं, और मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस जहाँ भी मैं खुद ज़ाती तौर पर जिस भी मंडी में गया हूँ उसका पूरा हमने एक मिनट्स बनाए हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में मैं पूरी जो है वो डीसी साहिबा को और मियां असलम इकबाल साहब को पूरा लेटर लिखूँगा
اور اس کی جتنی کمیاں کوتاہیاں یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ جو آپ نے کمیٹی کے ممبر ہیں جب سے یہ بنی ہے جی ظاہر ہے 3-4 ماہ ہو چکے ہیں اور میرے یہاں پر 3-4 ماہ سے آپ کو خیال نہیں آیا کہ کوئی خط لکھ دینا چاہیے کہ بھائی اس کی طرف دیکھ لو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس میں یہ ہوا کہ جب فائنل میٹنگ ڈی سی صاحبہ کے ساتھ ٹاؤن ہال میں ہماری ہوئی تو اس میں کچھ ہم نے یہ کہا کہ ذمہ داریاں چونکہ ہم سیاسی طور پر جو تھے وہ 7-8 لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ان کو ٹاؤنوں میں تقسیم کر دیں تو اس طرف میرا آنا نہیں ہوا میرے جو اپنے ٹاؤن میں الحمدللہ میں آج آپ کو پورے وسوخ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور جتنے بھی وہاں پر مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں بلکہ آپ کا آنا جو ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے آج آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں ابھی صاحب بارش کے ہم تو کتنے قطرے برسا چکے ہیں ہم نے تو سبزی منڈیوں میں ٹاپ سٹوری کے کتنے ہی پروگرام کر ڈالے لیکن آج تک جو ہے وہ انتظامیہ کو ہوش نہ آ سکا مزید بھی بات ہوگی لیکن بریک کے بعد